पूछ रहे हो तुला लग्न मकर राशि, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर शनि साढ़े साथी। एक मकर राशि दिखा दोगे जिसका माँ 100% ओके होगी, क्योंकि आपके आपका सुनो आपका साढ़े साथी है, लेकिन साढ़े साथी किसका? तुला लग्न का चंद्रमा, चंद्रमा माने माँ, फोर्थ हाउस माने माँ, मकरु नंबर फोर, ठीक है, माँ के घर में शनि बैठा है, ठीक है, अभी पंचम में चला गया, संतान के घर में, लबरा लबरी के घर में, प्रेमी प्रेमा के घर में, तो शनि जिस घर में जाएगा उस कारकत्व को रोगेश, शनि माने रोगेश, सोगी शनि माने ऋणेश, शनि माने दुखेश, मन के घर में दुखेश गया तो मन सुख होगा क्या? तो तुला लग्न वालों को ना ये साढ़े साथी दोहरा मार देता है, ठीक है, सिंगल ठोकाई नहीं होता है, आप काली माँ का सेवा करते हो बोल के बचे हुए हो, लेकिन कोई भी तुला लग्न मकर राशि देख लो उठा के, उसका हालत पस्त रहेगा। और ये जितने 12 प्रकार के मकर राशि है ना, उनका उनसे सबसे ज़्यादा तुला लग्न वालों का रहता है, इन्हीं को किसी ना किसी लड़की से धोखा मिला होगा, इन्हीं को ऋण का भयंकर समस्या रहेगा, यही तुला लग्न वालों के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा, इसी तुला लग्न मकर राशि वालों का ज़िंदगी में कोई ना कोई नारी से या कोई ना कोई लबरा लबरी या बीबी से विवाह से कहीं ना कहीं इनको झटका मिला होगा, इन्हीं के ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रच्छद में गुप्त शत्रु बन के इसका ज़िंदगी को प्रॉब्लम किया होगा, इन्हीं के बात का प्रॉब्लम रहेगा, इन्हीं का माँ का प्रॉब्लम रहेगा, इनके माँ के घर में शनि बैठा है, माँ का समस्या रहेगा, पंचम में शनि बैठा अभी चला गया कुंभ राशि में, तो संतान कभी भी इस समय बहुत सुखी नहीं हो सकते हैं, अब इनको इनडायरेक्टली एक प्रकार का पनौती दोष लगेगा, सोना भी पकड़ाओ तो चूना कर देगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फूक फूक के कदम रखो, साढ़े साथी खत्म हो गया, 1.5 साल बाकी है, इसका खुशी मत मनाओ, कोई मनाए नहीं मनाए, तुला लग्न मकर राशि कभी नहीं मनाना चाहिए जब तक शनि छठा में नहीं घुसता है। हाँ, एक तरफ का पॉजिटिव है तुला लग्न मकर राशि के, क्योंकि राहु 6 में आ गया, मकर राशि से 3रा में आ गया, बम्बा मस्त बढ़िया, लेकिन ये नहीं भूलना कि पीछे केतु द्वादश में भी बैठा है, ठीक है ना, लग्न को भी देखो राशि को भी देखो। तो आपका प्रश्न रहेगा कि मेरा माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब तक शनि सेकंड हाउस छोड़ के नहीं भागता है, यानी 5th हाउस छोड़ के नहीं भागता है, मकर राशि का माँ का स्वास्थ्य के बारे में 100% गारंटी कभी नहीं देना, क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर अभी भी साढ़े साथी लगा हुआ है, यानी आपके माँ को आपके मन को 100% साढ़े साथी लगा है, और इसीलिए तुला लग्न मकर राशि मोर अफेक्टेड देन अदर राशि। हाँ, इनको समझ में नहीं आता था क्योंकि राहु एक ठो एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे दिया था इनको, तो उनको इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा था, ठोक दिया इंजेक्शन और ठोकाई कर रहा था शनि उधर से, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 साल में सप्तम का, आप सोचो ना क्या हालत है तुला लग्न मकर राशि का, लग्न के ऊपर केतु, सप्तम में राहु और शनि बाबा चतुर्थ और पंचम, इससे और वल्नरेबल कंडीशन तुला लग्न मकर राशि को कुछ हो सकता है क्या? किसका कमर में दर्द, किसका पैर घुटने में दर्द, कोई पैर मार मार के सो रहा है, कोई पैर को सेक दे रहा है, कोई मालिश कर रहा है, क्या नौटंकी तुला लग्न मकर राशि का तो बोलो मत। अच्छा, वहाँ बैठ के दशम को देखे, फिर पंचम में बैठ के लाभ को देखे, तो तुला लग्न मकर राशि सबसे ज़्यादा पस्त इस कंडीशन पे ड्यू टू दिस ओनली। तो ये आपका प्रश्न करना, हाँ, नौकरी का टेंशन, लोन, यस 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 यस, सोचो जब मकर में शनि, मानहानि तो कहना नहीं है, तुला लग्न का जितना मानहानि शायद और दूसरा किसी लग्न का नहीं हुआ है, तुला लग्न मकर राशि का सबसे ज़्यादा मानहानि, सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा मतलब किसी ना किसी लड़की से या किसी ना किसी से ऐसे प्रच्छद गुप्त नारी के माध्यम से मान सम्मान का हानि, नौकरी करियर, देखो कि क्या हालत बना के रखा था, मकर राशि का शनि तुला लग्न का दशम में दृष्टि, और ऊपर से उन दृष्टि तुला लग्न के ऊपर 2.5 साल झेल लिए, ऊपर से जब कुंभ वहाँ बैठे थे ये केतु आ गया, केतु आके मकर राशि का करियर को अफेक्ट कर दिया, ऊपर से अभी पंचम का शनि, पंचम में जाके पनौती लगा दिया, इधर 7.5 साथी इधर पनौती, डबल ठोकाई खा रहा है, समझ में आ रहा है? तो और उसके साथ अगर कहीं से शनि का महादशा या 2.5 महादशा अंतरदशा हो गया है,
तो ऐसे आदमी को मैं कैसे कहूँगा कि आप एकदम बेफिक्र फ्री में कूदो, नहीं बोल सकता हूँ ना, गलत हो जाएगा ना। हाँ, फूक के चलने का टाइम है। हाँ, आपका मन में कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, राहु भाग गया है ना इधर, ओवर कॉन्फिडेंस अभी देगा और उस ओवर कॉन्फिडेंस में पटकोगे, पटकेगा आपको। छठा का राहु और तीसरा का, हाँ, सावधान में रहना है, फूक फूक के चलना है। सावधान में रहना मतलब डरा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अलर्ट एवर, अलर्ट एवर एवॉयड, अलर्ट एवर एवॉयड, ए, इस सूत्र में चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। अच्छा है, लेकिन अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया राशिफल देख देख के, कोई बोल दिया सोना बरसेगा छठा का राहु, कोई बोल दिया मकर राशि का तीसरा का राहु बम बमाएगा, हाँ, तो यस, तो वो प्रॉब्लम है बोल रहे, हाँ। बहुत सारे तुला लग्न का ना, जिसका चंद्रमा मकर राशि का है, उनके माँ का हालत भिन्न भिन्न प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है। एकदम एक्सट्रीम तो किसी को पैरालिसिस हो गया है, एक्सट्रीम तो किसी को एक्सीडेंटल इफेक्ट हो गया, पैर में चोट, पैर में ऑपरेशन, कि ये किसी किसी का ऐसा हुआ कि पैर में एक ही जगह में नौ बार ऑपरेशन हो गया है। ये मेरा, मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रश्न करना, क्या मेरा माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये यहाँ पर मैं कहूँगा, जब तक शनि कुंभ नहीं क्रॉस करता है, यू ऐसे कभी नहीं सोचना कि मेरा माँ का हेल्थ 100% ठीक हो गया या हो जाएगा, आई एम आउट ऑफ डेंजर, नहीं बोला जा सकता, ठीक है। नहीं, इसीलिए, अरे महाराज, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपका, अभी क्या मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ और साथ में आपका बार चार्ट का बोल रहा हूँ। आपके बार चार्ट में लग्न से सेकंड हाउस में शनि बैठ के माँ को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है ना, हाँ, तो उसको जब देख रहा है तो आप पूछोगे कि मेरा माँ का हालत बता दो, कैसे बता दें उसमें, ठीक है। नहीं, आपका शनि बहुत अच्छा है, बिकॉज 11 मून टू 11 भी है, एकादश का तो शनि बहुत अच्छा फल करता है, उसका चिंता नहीं है, वो लाभ कराएगा, अच्छा फल देगा, लेकिन शत्रुगुरु ही है और चंद्रमा को भी देख रहा है और शुक्र को भी देख रहा है। शुक्र को देख रहा है मतलब समझ लेना कि नारी से पीड़ा, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है तो माँ को पीड़ा, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है तो सास के ऊपर इफेक्ट, सास के साथ थोड़ा सा बढ़िया रिलेशन इंटरनली नहीं रहेगा। और यहाँ सबसे बड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या बनेगा कि शनि क्योंकि चंद्रमा को देखा तो विषयोग जैसे भी इफेक्ट आएगा, ओवर थिंकिंग, मन में भय, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, निर्णय लेने का शक्ति में कहीं ना, हाँ तो है, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आदमी अपने इष्ट देवी माँ दक्षिण काली और भैरव जी के शरण में है, उसको कुछ नहीं करना, नो रेमेडी अदर, रेमेडी देना बेवकूफ़ी है आपको, योर रेमेडी इज करेक्ट, आप उसको ज़्यादा बढ़ाओ और स्ट्रांगली बढ़ाओ, मात्रा बढ़ाओ, हवन कराओ आप और उसका चंडी पाठ कराओ, ऑलरेडी आप उस फील्ड में हो, मैं आपको डाइवर्ट क्यों करूँगा, ज़रूरत कुछ भी नहीं है, यू आर इन करेक्ट पाथ, ये वेरी करेक्ट पाथ, नो प्रॉब्लम 100%। देखो आप ना अननेसेसरी वरीड हो रहे हो, एक तरफ तो ऐसा है कि शनि इज इन द लाभ भाव, ठीक है, और लाभ भाव में शनि बैठे, केतु बैठे, राहु बैठे, गलत तो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव हो गया आपके लिए। एकादश का शनि पाना तो माता रानी का कृपा हो तभी मिलेगा, सबको नहीं मिलता है, ठीक है, हाँ, तो मतलब हम लोग 1000 से लेके 10000 कुंडली देखते हैं तो बाई चांस एक मिलता है एकादश का शनि, ठीक है ना, तो ये तो इससे बड़ा और क्या राज्यों का आपको चाहिए। और एकादश का शनि बैठा हो ऐसे आदमी को ये सब प्रश्न तो कोई मतलब का नहीं है कि मेरा करियर, मेरा लाभ, मेरा एवॉर्ड रिवार्ड बोनस, मेरा प्रमोशन, मेरा डेवलपमेंट, अरे महाराज, तुला लग्न के लिए भी कारक, मकर राशि के लिए भी कारक, सबसे फेवरेबल प्लैनेट, एकादश का घर में बैठा, तो ये सब आप सोचोगे कि वो तो अपने आप आपके पास ला के देगा, ठीक है। जब आदमी ये बोलता है कि शनि के 7.5 में मेरे को प्रमोशन मिला, 2-2 अवार्ड मिला, मकर राशि का 7.5 को मैं झेल लिया, फिर ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न, ये ना, यू विल टॉप ऑटोमेटिकली टॉप।